नोटिस जारी करने के खिलाफ करनाल के जिला सचिवालय के बाहर बड़ी संख्या में किसानों व आढ़तियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों व आढ़तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने जिला प्रशासन को सरकार के नाम ज्ञापन देते हुए अध्यादेश निरस्त करने की मांग की। यहां हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं, जिसको किसान विरोधी अध्यादेश मान रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि यह अध्यादेश आने से किसानों और आढ़तियों के बीच भाईचारा समाप्त हो जाएगा। आढ़ती और किसान के बीच जो बड़े लंबे समय से लेन देन की प्रक्रिया चलती आ रही है, वह परंपरा समाप्त हो जाएगी। किसानों ने कहा कि पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं और सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश का विरोध किया जा रहा है। गौरतलब है कि जहां एक ओर देश की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं किसान सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जो कि सोचने का विषय है। किसानों ने आह्वान कर कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती तो संघर्ष लंबा किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पर, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? आज हम सरकार को चेताने आए हैं, अगर सरकार ने ये जो किसान के खिलाफ और आढ़तियों के खिलाफ काला कानून बनाया है, सरकार ने ये कानून वापिस नहीं लिया तो हम सड़कें भी रोकेंगे और रेलें भी रोकेंगे। ये तो आज हमारा ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। सारे किसान आज इकट्ठा होकर आए हैं। क्या 3 कानून है जिनके खिलाफ आज उतरे हैं सर? एक तो ये है जी, शुरू में इन्होंने बनाया है मंडी को, ये खत्म करना चाहते हैं। मंडी में जो मार्केट कमेटी होती है उसको खत्म करेंगे ये, MSP खत्म करना चाहती है सरकार। दूसरा ये है, इन्होंने ये बनाया है, पहले ये था भाई व्यापारी इतना सामान रख सकता, इतने टाइम तक बेच सकता, लेकिन अब इन्होंने अभी ये बनाया कितना भी सामान रख सकता है और जब महंगा होगा उस टाइम बेच सकता है। तीसरा ये है कि 2,000-3,000 एकड़ का इन्होंने एक प्लाट बनाया है, प्राइवेट कंपनी वालों को देंगे, उसमें किसान मजदूर दिहाड़ी पे जाएगा, किसान के पास कुछ नहीं बचेगा, किसान मर जाएगा, आढ़ती भी मर जाएगा। ये सरकार पूरी किसान विरोधी और व्यापारी विरोधी है। आज आप क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं? आज हम जो ये काले कानून की 3 इन्होंने अध्यादेश किया है, उन कापियां को जलाएंगे और सरकार को ये चेताएंगे, अगर सरकार नहीं झुकी तो हम आगे और भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आपका नाम क्या? छत्रपाल सिंधड़, ब्लॉक संत। तो पूरे हरियाणा भर से आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? अलग अलग नहीं, सभी जिलों पे प्रोग्राम है जी आज हमारा। आज करनाल से हैं? हाँ जी, करनाल भी है, सारा हरियाणा में आज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.